खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। झड़क कामगार यूनियन की संबंध इकाई ने 1 मई मारस दिवस तथा कामगार दिवस को अनोखे तरीके से राशन किट वितरण कर मनाया। राज्य के सबसे बड़े मजदूर संगठन झड़क कामगार यूनियन संबंध इकाइयों ने 1 मई मारस दिवस तथा कामगार दिवस को अनोखे तरीके से मनाते हुए इस अवसर पर जरूरतमंदों को राशन वितरण किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सौजन्य से प्राप्त राशन किट वितरण व कामगार दिवस समारोह का उद्घाटन आमदार प्रसाद लाड ने आयोजित करने संस्थापक महासचिव धरत कामगार यूनियन की उपस्थिति में किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इस अवसर पर धरत ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन, धरत ऑल फिल्म कामगार संगठन, धरत घरेलू कामगार संगठन, धरत इमारत व बांधकाम कामगार यूनियन, धरत हॉस्पिटल कामगार यूनियन, धड़क हॉकर फेरीवाला यूनियन, धड़क माथाड़ी जनरल कामगार यूनियन के साथ धड़क कामगार यूनियन के जरूरतमंदों तथा गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कामगारों को राशन किट वितरण की गई। बता दें कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के प्रतिरूप धड़क कामगार यूनियन की तरफ से पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से मुंबई की रिक्शा टेम्पो टैक्सी डंपर चालक संगठित कामगारों के साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता दी जा रही है। आपको भी बता दें कि इस राशन किट में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अच्छा तेल, अच्छा आटा, अच्छा राशन तथा अन्य जो पदार्थ है वह भी A1 क्वालिटी के हैं। आइए आपको मिलवाते हैं आमदार प्रसाद लाड और अभिजीत राणा से कि क्या कुछ कहना है इस विषय पर। हमारे मित्र और महान कामगार नेता अभिजीत जी के यहाँ से धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस और हमने खुद ने मिलके अभी तक मुंबई शहर हो या कोंकण हो, अभी तक हम लोग 80,000 फैमिली तक पहुँचने की कोशिश की थी। उसमें शशांक राव की यूनियन हो, भारतीय जनता पार्टी की यूनियन हो, फिल्म सिटी कामगार की यूनियन हो और ऐसे कई जगह पे जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, जो रोजंदारी पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को अन्नदान और मास्क और सैनिटाइजेशन और इतर सुविधाएं देने की हमारी कोशिश थी। हमारी बात अभिजीत जी के होने के बाद अभिजीत जी ने भी बताया कि लगभग उनको 100 टन अनाज की ज़रूरत लोगों में बांटने के लिए है, क्योंकि आज इनके पास भी 5 लाख से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और तुरंत ही देवेंद्र जी ने उन्हें प्रॉमिस किया और आज पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसके लिए उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज के तारीख में सरकार सोई हुई है, कामगारों के पास किसी का ध्यान नहीं है। जो रोजंदारी के ऊपर काम करता है वो रोजंदारी के ऊपर ध्यान देने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसे कामगार नेता जब आगे आते हैं, हमारे जैसे विधायक हो या कार्यकर्ता हो, उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर कामगारों को न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो राशन में क्या-क्या किट है इस किट में? अगर आप देखोगे तो बासमती राइस है, चने का दाल है, सम्राट की शुगर है, अन्नपूर्णा का आटा है, सफोला का तेल है, उसके बाद नमक है, टाटा साल्ट का नमक है और टाटा की चाय है। ऐसे 7-8 प्रकार मिलके लगभग 11-12 किलो का ये जो किट हो रहा है, 5-5 किलो आटा है, 3 किलो राइस है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो दाल है, 1 लीटर तेल है, तो 12-13 किलो का जो ये है, लगभग एक फैमिली को 15 दिन के लिए आज के टाइम में काम आने वाली चीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा
कपड़े के मास्क भी मैं अभिजीत जी को दे रहा हूँ, वो लगभग मैं 25,000 मास्क अभिजीत जी को मैं पहुँचाने का काम है उनका, जिसके माध्यम से जो कामगार आज फिल्म सिटी शुरू होने के बाद काम करेगी, तो वो जो कपड़े का मास्क है वो वॉशेबल मास्क होगा, वो एक मास्क 100 बार धो के भी पहन सकते हैं, ऐसे तरीके का वो मास्क बनाया गया है। और सैनिटाइजर का भी हम प्रावधान करेंगे। जो महिलाएं यहाँ पे यूनियन में काम करती है उनके लिए सैनिटरी नैपकिन का भी प्रोविजन अभिजीत भाई हम आपको हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करेंगे, और जितनी सेवा आप करोगे उसमें हम आपके साथ रहेंगे, ये मैं आप सबके सामने वादा देना चाहूंगा। देखिए हम और देवेंद्र जी हमेशा एक ही चीज मानते हैं, जो हम खाते हैं वो लोग खाने चाहिए। अगर हम बासमती खा रहे हैं तो लोग भी बासमती खाएंगे, यही है। अगर इसकी वैल्यू करना नहीं चाहूँगा, अगर मैं सादा राइस लेता था तो शायद वो राइस और 4 किलो ज़्यादा आता था, लेकिन अगर अच्छी चीज़ देंगे तो लोग अच्छी याद भी करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे नेता बासमती खा रहे हैं तो कामगार भी बासमती खानी चाहिए। क्या प्लान्स क्या है हमारी? हमारा प्लान था 1 लाख इंडिविजुअल्स तक और 5 लाख फैमिली तक पहुँचने का, लेकिन जब हमने काम शुरू किया पिछले 15 मार्च से लेके, यानी 22 मार्च से हमने एक्चुअली काम शुरू किया, और अभी तक हम लोग 7 लाख लोगों तक पहुंच पाए, इसका हमें बहुत बड़ा समाधान है। मुंबई के हर विधानसभा में हमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के आमदार हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, अलग पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आज चैनल के सामने, लेकिन जो जो पार्टी के विधायकों ने और नेताओं ने हमसे चीज़ मांगी वो हमने दी, इसमें कोई राजनीति नहीं की। जैसे कि मैंने बताया कि शशांक राव की यूनियन से मैंने BST को और रिक्शा और टैक्सी चालकों को दिया, तो भले मतभिन्नता है लेकिन उद्देश्य एक है, उस उद्देश्य को साथ में रखते हुए कोई राजनीति नहीं करते हुए हमने ये काम करने की कोशिश की। मनापासून भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा महाराष्ट्र के माझ्यासाठी मोठ्या भावाप्रमाणे असणारे सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, त्याचबरोबर माझे मोठे भाऊ मार्गदर्शक प्रसाद लाडजी या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या दोघांच्याही आशीर्वादाने मार्गदर्शनामुळे आमच्या युनियनला एक बळ मोठ्या प्रमाणात मिळालेलं आहे, आणि आज मुंबई महाराष्ट्रामध्ये एक प्रभावी युनियन म्हणून आपण सर्व काम करतोय, आणि जवळपास आज 5 लाखाहून अधिक संघटित असंघटित कामगार आहेत, जवळपास रिक्षा टॅक्सी चालक मालक हेच जवळपास 70,000 आहेत, नाका कामगार आहेत, हॉकर्स आहेत, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे डेडिकेटेड जवळपास 70,000 फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारी लोकं आहेत, हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे वॉर्ड बॉईज, आणि मुंबईच्या बऱ्याचशा BMC हॉस्पिटलमध्ये देखील आपल्या युनियन्स आहेत, आणि आज जर आपण बघितलं तर बऱ्यापैकी उत्तर भारतीय जे रिक्षा चालवत आहेत किंवा जे स्किल वर्कर आहेत, म्हणजे ज्याला कार्पेंटर्स असतील, पेंटर्स असतील, मुळात जे नाका कामगार आहेत, आज ते बाहेरून आपल्याकडे आलेले आहेत आणि खरोखर त्यांची दयनीय अवस्था आहे। जसं आमच्याकडे एम्ब्रॉयडरी फील्डमध्ये बंगाली लोक बऱ्यापैकी काम करतात, आज त्या ठिकाणी ते डेली वेजेसवरती काम करतात, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, और उसकी संख्या भी लगभग आज 7-8 हजार है। रोज हमारे ऑफिस में फोन आ रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए, और लगभग आज जो हमारा ये वाटअप है, मैं रिक्वेस्ट की देवेंद्र जी को और उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट की वो एक्सेप्ट की उन्होंने, और प्रसाद जी के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, और हमारे सभी 7.5 लाख वर्कर्स की तरफ से मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और प्रसाद जी के बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ। लगभग हम 5,000 लोगों को हर रोज खिचड़ी का बाटअप कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो कंपनीज है, जैसे सोसाइटी टी कंपनी है, सोसाइटी चाय है, तो उन्होंने हमको 30,000 किलो चाय दी है, चाय पत्ती दी है, तो हमने वो सब वर्कर्स को बांटी है। हमने बहुत से हमारी कंपनी हम जॉनसन एंड जॉनसन के साथ में है, तो वो जो जो कंपनी से हम जुड़े हुए हैं वो कंपनी ने हमें कुछ CSR फंड्स दिए हैं, कुछ वो माध्यम से हमारे डे टू डे बेसिस पे हमारे एक्टिविटीज चल ही रहे,
मगर इन एडिशन एक मोठा सियाचा वाटा आज प्रसादजी आणि देवेंद्रजींनी उचललाय, त्याबद्दल मी त्या दोघांचे खूप खूप आभारी आहे। अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो महाराष्ट्र में जो वर्कर्स जो फंसे हुए हैं, डेली वर्कर्स है, फिल्म इंडस्ट्री के है, उनको रोज दिन भर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आपकी बात फडणवीस जी से हुई है लेबर्स को लेकर के? नहीं, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी इस विषय पर हमेशा ही आवाज उठाते आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ये लोगों को जहाँ जो माइग्रेंट्स है जो बाहर से आए हैं उनको उनके गांव तक पहुंचाने का काम देवेंद्र जी और ये सरकार जो विद्यमान सरकार है और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो सभी लोगों को अच्छी तरीके से सेट किया जाएगा। मैं एक ही चीज बताऊंगा कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक समाज सेवी संस्था, हर एक NGO अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हम पहुँच पाए वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे और ज़रूर पहुँचने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि नरेंद्र भाई ने जो कहा है स्टे होम सेफ होम, मैं भी लोगों से यही कहना चाहूँगा। अब इस लड़ाई में हम जीत की तरफ जा रहे हैं और हम होंगे कामयाब। आज एक में है, जैसे महाराष्ट्र को हमने आज़ादी 60 साल पहले दी, एक संयुक्त महाराष्ट्र बनाया, वैसे कोरोना को भी भगाने का काम आज एक में से शुरू होगा और आने वाले 15 दिन में कोरोना को यहाँ से भगाया जाएगा और महाराष्ट्र कोरोना मुक्त होगा। क्या निश्चित तौर पर लाड साहब के बातों से मैं भी उनके साथ में ही और उनकी बातों से मैं सहमत हूँ उनके